हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मन की हेड टॉकीज पे। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है एंड क्या यूज़ होता है डेटा वैलिडेशन का। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन एक्सेल का में एक प्रोवाइड किया गया फीचर है जिसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने सेल में यूज़र क्या वैल्यू इनपुट करे। अगर यूज़र उसके अलावा कुछ और वैल्यू एरर का इनपुट करता है तो हम उसमें एरर मैसेज जनरेट कर सकते हैं कि आपने रॉन्ग इनपुट दिया है या रॉन्ग वैल्यू आपने पास की है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम कैसे अपने एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन के लिए हम सबसे पहले डेटा टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन एंड अगेन डेटा वैलिडेशन। अब इसमें हमारे पास वैलिडेशन के क्राइटेरिया हैं, हमारे पास जैसे कि एनी वैल्यू, यूज़र पर्टिकुलर सेल में कुछ कोई भी वैल्यू डाल सके, होल नंबर, यूज़र उसमें सिर्फ होल नंबर ही यूज़ कर सके, इसमें डेसिमल वैल्यू पास कर सके, लिस्ट में हम उसमें एक लिस्ट पास करेंगे या फिर अपनी खुद की लिस्ट टाइप करें क्रिएट करेंगे कि उस लिस्ट में से ही कुछ वैल्यू चुने, डेट पर भी हम अपने डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, टाइम, टैक्स लेंथ एंड कस्टम। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वैलिडेशन क्राइटेरिया है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हम सारे यूज़ नहीं करने वाले, हम दो तीन जो इम्पोर्टेंट है वो यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपना डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट फंक्शन से। अब इसमें आप अपनी खुद की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को एज क्राइटेरिया में है कि एज क्राइटेरिया 18, 19, 20 और 21 ही टाइप हो, यूज़र उसके अलावा कोई और वैल्यू इनपुट ना कर पाए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं मैन्युअली लिस्ट क्रिएट कर लूँ। मैंने इनपुट मैसेज टाइप कराया कि यूज़र को इनपुट करवाते वक्त ये मैसेज दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैसेज देना है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब गलत वैल्यू डाले तो क्या आप मैं एरर मैसेज दिखे। ये हमारा टाइटल आएगा और ये एरर मैसेज हमें शो होगा। मैं इसको करता हूँ ओके। तो देखिए, जैसे ही मैंने ओके किया, मुझे एक सिलेक्शन आ रहा है कि ये आप एज 18, 19, 20, 21 डालिए। मैं जैसे इस पर गया, मेरे पास सिलेक्शन भी आया कि 18, 19, 20 का, मैंने 18 सेलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे ही 18, 19, 20, 21 के अलावा कुछ और एज डालता हूँ, देखिए मेरा एरर मैसेज एंटर्ड हो गया, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। आइए हम लिस्ट को अब सिलेक्ट करके कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं डेटा वैलिडेशन गया, डेटा वैलिडेशन ये लिस्ट। अब मैं यहाँ पे ये छोटा साइकिल वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और जो भी मेरी लिस्ट है उसको सिलेक्ट करके अगेन साइकिल क्लिक करूँगा एंड इनपुट मैसेज में और एरर अलर्ट मैं इस बार नहीं दे रहा हूँ, ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा, देखते हैं हम क्या आता है उसमें। और ओके, तो आपने देखा हमारे पास वैल्यू है यस और नो। मैं अगर डू लाइक कॉफी मैं ओके टाइप करता हूँ तो सिस्टम जनरेटेड मैसेज एक एरर मैसेज आया, तो वैल्यू इंटर इज नॉट वैलिड। ये हमें बता रहा है कि हमने गलत इनपुट डाला है। तो हमने देखा कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन में लिस्ट क्राइटेरिया का यूज़ करके अपने पर्टिकुलर सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यूज़र उसमें डेटा ना डालें। आइए हम अब डेटा वैलिडेशन में डेट क्राइटेरिया को भी एक बार ही देख लेते हैं। अगेन डेटा वैलिडेशन में जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ डेट। मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हो कि यूज़र पर्टिकुलर डेट से एंड
आज की डेट के 5 दिन बाद तक की डेट को के बीच की डेट ही टाइप कर सके, इसके अलावा एरर मैसेज आए तो कैसे करेंगे। आज है दोस्तों 1 अगस्त, तो मैं पिछले 1 जुलाई की डेट ले लेता हूँ। जीरो 7/01/2020 ये मेरी होगी स्टार्ट डेट कि यूजर 1 जुलाई से 2020 से हमारा जो डेट है वो एंटर कर देते हैं, और मैं इसमें एंड डेट दे देता हूँ आज के डेट में 5 दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाए कर देता हूँ। मैं एंड करता हूँ, चलो यहाँ पे मैं एरर मैसेज भी टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डेट 1 जुलाई को ही टाइप करता हूँ। तो इसने डेट ले लिया, अब मैं 1 जुलाई से पहले की डेट देने की कोशिश करता हूँ। उसने एरर थ्रो कर दिया कि जो डेट आपने डाली है वो गलत है। ऐसे में देखिए इसने 2 अगस्त को दे दिया, मैं नवंबर की डेट डालता हूँ। मैं इसमें नवंबर की डेट डालता हूँ, दोस्तों डेट वैलिडेशन के साथ आप एक बारी इसका जो डेट का फॉर्मेट होता है उसको एक बारी चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट कुछ और दे रहे हो और डेटा वैलिडेशन में आपने डेट फॉर्मेट कुछ और दिया हो। जो डेट फॉर्मेट यहाँ पे है उसी डेट फॉर्मेट में आपको डेट एंटर करवानी होगी, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो मिसमैच हो जाएगा। आइए दोस्तों मैं हम इसमें होल नंबर भी देख लेते हैं कि होल नंबर को हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों हमारा जो वैलिडेशन क्राइटेरिया है वो होल नंबर है। अब इसमें हम डेटा अपना कैसा देना चाहते हैं कि हमारा जो होल नंबर है वो बिटवीन हो, पर्टिकुलर इस नंबर से इस नंबर तक हो, या नॉट बिटवीन हो, इक्वल टू ये हो, या नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन, आप जो भी देना चाहें। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिटवीन। मान लीजिए मेरा डेटा 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। इनपुट मैसेज में मैं दिखा रहे थे इनपुट बताऊँ 20 20, टाइटल मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इनवैलिड नंबर और okay। अब देखिए जैसे मैंने इस सेल पे गया उसने बता दिया कि 10 से 20 के बीच में वैल्यू आए, मैंने 11 टाइप की। कोई बात नहीं, मैं 10 से नीचे लेता हूँ, एरर मैसेज दे दिया इनवैलिड नंबर। 20 से लेता हूँ, इनवैलिड नंबर 19 देता हूँ, दे दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डेटा वैलिडेशन क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज कर सकते हैं अपने इसको डेटा वैलिडेशन को आपको समझना है वो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए।